तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो पे। आप देख रहे हैं इट्स टेक्निकल बॉय। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट वीपीएन के बारे में। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो अभी इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है काफ़ी मज़ेदार और आजकल ट्रेंड में भी बहुत चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना ली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें क्या करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, क्योंकि इसके बाद जब हम इस पर पेन वेन लगाएंगे तो थोड़ा रफ बन जाएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब चलते हैं, अपनी पेन को उठाते हैं यहाँ पर से, ये रेड पेन उठाते हैं। ठीक हो गया, रेड पेन सही लगती है। तो अब समझते हैं वीपेन होता क्या है। अभी उससे वीपेन बाद में समझेंगे, उससे पहले एक चीज़ समझते। समझ लीजिए, यहाँ पे एक चोर है, ये एक चोर है, ये आप लोगों का एक सिक्योरिटी गार्ड है, या आप समझ लो एक सिक्योरिटी मशीन है। ठीक हो गया, जो कि चेक करती है हर एक पर्सन को। और यहाँ पे बैंक, ये जो चोर है इसको बैंक लूटने आना। अब अगर ये सीधे जाएगा तो ये किसके द्वारा पकड़ी जाएगा, इस यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड लगा या जो सिक्योरिटी जो मशीन लगी है वो इसको अंदर नहीं जान देगी, क्योंकि इसमें कुछ सिक्योरिटी मशीन में कुछ कंडीशन लगी होगी जो कि इस चोर पे अप्लाई नहीं होती होगी, तो उसको वहीं पे ब्लॉक करती है और अंदर नहीं जाने देगी। तो कुछ इसी तरीके से सीधे सीधे तो जा नहीं सकता। तो या तो वो क्या कर रहे, ये आप लोग, ये जमीन है ना, तो वो क्या करे, यहाँ से एक टनल खोद दे सीधे बैंक के लिए। यहाँ से क्या करते हैं, सीधे बैंक के लिए टनल खोद दिए। डायरेक्ट वे तो नहीं है ये, क्या है, इनडायरेक्ट वे। तो यहाँ से जाएगा और सीधे कहाँ मिल जाएगा, इस बैंक के अंदर मिल जाएगा बिना किसी को पता लगे। तो कुछ उसी तरीके से वीपीएन का भी काम होता है, लेकिन वीपीएन में हमें फिजिकली नहीं कैसे जाना होता है, हमें जाना होता है नेटवर्किंग के उसमें, कंप्यूटरिंग के उसमें। वही क्या होता है, वीपीएन होता है। जब भी मैं पहले कुछ आपको बता देता हूँ वीपीएन के बारे में, जब भी हम वीपीएन यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ब्लॉक्ड कंटेंट को क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ये आप लोग, ये सब मिला के एक पूरी कंट्री इंडिया है। अब इस कंट्री में जो है, मान लो कोई भी कंट्री एक्स वाई जेड, उस पर हम लोगों ने गेम गेम बैन कर रखा है पबजी। अब अगर उस वो किस जो पबजी बैन हो रखा है, किस चीज़ पे बैन हो रखा है, लोकेशन की, उस पर बैन हो रखा है, मतलब उस पर क्या डाल रखी, कुछ पार्टिकुलर लोकेशन डाल रखी है और उस लोकेशन के उस पर वो बैन हो रखा है। तो अब हम जो वीपीएन यूज़ करेंगे, तो वीपीएन यूज़ करके क्या होगा, हम अपनी लोकेशन लोकेशन और आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, मान लो हम इंडिया में हैं और हमने अपनी लोकेशन बता दी कहाँ, अमेरिका की, कंप्यूटर में, मतलब वीपीएन यूज़ करके हम अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, और उससे हमारी लोकेशन बन गई अमेरिका की। तो अब अमेरिका में पबजी अब बैन नहीं है, तो हम उसको इजीली हम पबजी को भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम इंडायरेक्ट, मतलब नेगेटिव वे में नहीं, हमें इसको हमेशा पॉजिटिव वे में स्टार्ट यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप समझो, मान लो कोई भी साइट है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन लेती है, जो कि कुकीज यूज़ करती है और आपकी इंफॉर्मेशन लेती है, तो अगर आपने क्या कर लिया, आईपी एड्रेस या लोकेशन अपनी बदल दी, तो नहीं उसको वो तुम्हारी प्राइवेसी को, प्राइवेसी तक का नहीं पहुंच पाएगा ना, तो तुम्हारी प्राइवेसी यहाँ पे क्या हो रही, सेफ हो रही। तो उसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वीपीएन का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे माई नोट्स पे एक पिक्चर मैंने लगा रखी है, तो आप चाहे तो इस पिक्चर को हमेशा माइंड में रखना जब भी वीपीएन के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक नारियल पानी, नारियल पानी को क्या बताया गया है, ब्लॉक्ड वेब, वो डेटा या वो इंटरनेट जो कि ब्लॉक्ड कर रखा है नॉर्मल लोगों के लिए। अब ये क्या करेगा, ये वीपीएन के पास जा सकता है ब्लॉक डेटा, और आप इस वीपीएन को यूज कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली आपके, डायरेक्टली तो आप ब्लॉक्ड वेब के पास नहीं पहुँच रहे, लेकिन इनडायरेक्टली आप किसके पास पहुँच रहे हो, आप लोग इनडायरेक्टली आप इस ब्लॉक वेब के पास पहुंच जा रहे हो। तो उसी तरीके से आप कुछ, कोई भी कंट्री में रह के, कोई भी पार्टिकुलर प्लेस में रह के कुछ भी चीज़ एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्राइवेसी को भी सेव कर सकते हो, किसके थ्रू, वीपीएन के थ्रू, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखो माई नोट्स, वीपीएन प्रोटेक्ट अवर एनोनिमिटी एंड ऑल्सो अवर प्राइवेसी। तो दो चीज़ें सेव कर, सबसे पहले एनोनिमिटी और प्राइवेसी। एनोनिमिटी मीन्स आईपी एड्रेस, और प्रिवेसी मीन्स अवर एक्टिविटीज। एनोनिमिटी मतलब क्या, आईपी एड्रेस और लोकेशन, और प्रिवेसी मतलब आप लोगों की प्राइवेसी, यानी कि जो एक्टिविटीज आप इंटरनेट में करते हो उसको सेव करते हैं फ्रॉम दिस इंटरनेट वर्ल्ड। इस इंटरनेट वर्ल्ड से आपकी प्राइवेसी और आपकी एनोनिमिटी को बचा के रखता है कौन, वीपीएन। इतना काम होता है वीपीएन का। वीपीएन का काम समझ में आ गया ना, कि हमारी प्राइवेसी को, हमारी एनोनिमिटी को ये क्या करता है, दूसरे इंटरनेट वर्ल्ड से बचा के रखता है। हम किसी भी ब्लॉक्ड वेब को, ब्लॉक्ड डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं वीपीएन के थ्रू। अब बात करते हैं पहले जो यहाँ पे जो हमने डायग्राम देखा ना, एक चार्ट जैसा, इसको समझते हैं। ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या, आप लोगों का वीपीएन क्लाइंट है, वो क्लाइंट यानी कि वो पर्सन जो वीपीएन यूज करता है।
और ये इसको किससे रिडायरेक्ट करेगा, आईएसपी से। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट प्रोवाइड कराता है वो सर्विस जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, और वो किसके पास भेजेगी, किसको, पब्लिक नेटवर्क। तो ये जो है ना बेसिकली आप लोग का ये पूरा आप लोग का क्या, पब्लिक नेटवर्क। अब मान लो अगर आपका डेटा इससे जा रहा है तो क्या वो सिक्योर है, नहीं है ना, कोई भी आपका एक्सेस कर सकते हैं। तो वीपीएन क्या करता है, इसी के बीच अपना एक टनल बना देता है। ये जो है आप लोगों का क्या, वीपीएन टनल है, ये वाला, ये वीपीएन टनल है। ये क्या है, सिक्योर है, ये पब्लिक नेटवर्क के अंदर से जा रहा है, लेकिन पब्लिक नेटवर्क को किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से जा रहा है। तो वीपीएन टनल इसने बनाया और कहाँ भेजता है, वीपीएन सर्वर के पास, और वीपीएन सर्वर उसे कंपनी सर्विस तक का भेज देती। तो आपने देखा अपने होम जो आपने नेटवर्क बनाया था उससे आप कंपनी नेटवर्क तक का पहुंच जा रहे हो इजीली। अपने डेटा को बिना लीक किए भी आप इजीली यहां तक का पहुंच जा रहे हो। अब एक मेन बात यहां पे आती है, जो वीपीएन सर्वर होता है। अब मान लो ये जो कंपनी वीपीएन प्रोवाइड करा रही है, अगर उसका सर्वर, अगर मान लो अगर ये वीपीएन सर्वर ही खुद डेटा लेता हो, ये क्या पता है खुद वीपीएन, ये जो वीपीएन सर्वर यही आपका डेटा को एक्सेस कर रहा हो, तो तब भी तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, वीपीएन इसी से निकल के आता है। वीपीएन दो टाइप के होते हैं, सबसे पहला होता है फ्री वीपीएन और दूसरा होता है पेड वीपीएन। अब फ्री वीपीएन में क्या होता है, वीपीएन सर्वर पूरा फ्री देता है, आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है। लेकिन इस पे क्या खतरा रहता है कि आप लोगों का जो डेटा है उस वीपीएन सर्वर वाली कंपनी के पास पहुंच सकता है, उस वीपीएन वाली जो वीपीएन सर्वर प्रोवाइड जो करा रही कंपनी उसके पास आपका डेटा पहुंच सकता है। तो फ्री वीपीएन में ये रहता है, लेकिन पेड वीपीएन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके एग्जांपल देख सकते हो आप, नॉर्ड वीपीएन है, एक्सप्रेस वीपीएन है, ये सारे क्या पेड वीपीएन है। फ्री वीपीएन के एग्जांपल आप देखो साइबरपोल्स, आप इंटरनेट में डालोगे तो और भी कई फ्री वीपीएन और पेड वीपीएन आपको मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर मैं हर बार क्या प्रीफर करता हूँ कि आप लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए, पेड वीपीएन यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपका डेटा उस वीपीएन कंपनी के पास भी ना स्टोर रहे। तो इतना काम होता है आप लोगों का, किसका, वीपीएन का। वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है, टनल जैसा बना देता है, पब्लिक टनल जैसा बना देता है, और वो टनल से डेटा किसी बार जाता है वीपीएन सर्वर के पास, और वहाँ से कंपनी सर्वर। आपको जैसा समझ सकते हो, जैसे मान लो आप ये पूरे रेलवे स्टेशन में बैठे हो और आपने, आप यहाँ पे हो, आप लोगों ने क्या कर दिया, उस रेलवे स्टेशन से जो पब्लिक नेटवर्क वाईफाई जो मिलता है ना उसको एक्सेस कर लिया, और उससे आप लोगों ने कोई अपना बैंकिंग का काम कर लिया। अब वो जो है जो डेटा आप लोगों ने बैंकिंग में डाला है वो किसके पास जा सकता है, जो नेटवर्क जो रेलवे वाले प्रदान कर रहे। तो अगर आपने वीपीएन यूज़ कर दिया तो वो डेटा उनके पास नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्राइवेसी, अपनी पर्सनल चीज़ों को क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। वीपीएन का क्या है, एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, तो इसलिए कई सारे लोग वीपीएन यूज़ करते हो। और ज़्यादातर हमें पेड वीपीएन ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसा कोई खतरा नहीं रहता कि वीपीएन प्रोवाइड कराने वाली ही कंपनी क्या कर ले, डेटा को एक्सेस कर ले। तो आपको इसको यूज़ करके एक हैकर की फीलिंग आए, लेकिन आपको इसको कभी भी नेगेटिव वे में नहीं यूज़ करना है, इसको हमेशा पॉजिटिव वे में ही यूज़ करना है, अपनी प्राइवेसी को, अपनी एनोनिमिटी को सेफ स्टोर करके। व्हेन द डेटा इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम पब्लिक नेटवर्क इट मेक्स अ टनल एंड अवर आईपी एड्रेस एंड लोकेशन इज कम्प्लीटली सिक्योर। तो यहाँ पे लिखा भी है, जब ये जो डेटा है ना आईएसपी के बाद कहाँ पे जाता है, पब्लिक नेटवर्क में, वहाँ पे क्या बना देते हैं, एक वीपीएन टनल बना देते हैं। टनल यानी कि आप सुरंग जैसी समझ सकते हो, सुरंग बना देते, जैसे यहाँ पे बनाई थी ना चोर ने सुरंग बैंक में पहुँचने के लिए, उसी जैसे एक सुरंग बना देता है और उस सुरंग से डेटा पास होता है, जिससे हमारा आईपी एड्रेस और लोकेशन कम्प्लीटली सिक्योर रहता है। बस इतना सा काम होता है आप लोग का वीपीएन का। तो एक और बार समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वीपीएन में। वीपीएन क्या करता है, आपकी एनोनिमिटी को, आपकी प्राइवेसी को सिक्योर रखता है, दूसरों तक का नहीं पहुंचने देता। आप ब्लॉक कहीं भी लोकेशन में, कोई भी पार्टिकुलर लोकेशन में जो ब्लॉक्ड जो नेट है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। दो टाइप की वीपीएन हो जाती है, फ्री वीपीएन, पेड वीपीएन। फ्री वीपीएन वो वीपीएन, फ्री वीपीएन में थोड़ा खतरा रहता है कि जो वीपीएन प्रोवाइड करा रही कंपनी उसके पास डेटा स्टोर हो जाता है, और पेड वीपीएन में ऐसा कुछ खतरा रहता है नहीं। लेकिन फ्री वीपीएन भी कई सारे होते हैं जो कि अच्छे अच्छे फ्री वीपीएन है। आप अगर इंटरनेट में डालोगे तो आपको ईजिली फ्री वीपीएन की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, बना दी थी टनल जैसा बना दी थी, पब्लिक नेटवर्क में भी जाते हो, जिससे क्या है आप लोग कम्प्लीटली सिक्योर हो जाते हो उस पब्लिक नेटवर्क में जाते हुए भी। तो बस इतना ही है वीपीएन के बारे में। अगर आपको वीपीएन समझना हो तो आप इस इमेज को अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और मज़ेदार और टेक से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना। थैंक यू।